अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूख खान। वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग HIV का लॉन्ग करेंगे, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। की चांसेस हैं कि ये लॉन्ग में आ जाए, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। हम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की लाइफ साइकिल करेंगे। अभी मैं आपको इसमें ट्रांसमिशन भी करा दूंगी, सिम्टम साइन कंट्रोल भी करा दूंगी, क्योंकि वो शॉर्ट में आ सकते हैं। सो HIV एक वायरस है जो बिलोंग करता है ग्रुप रेट्रोवायरस से। रेट्रोवायरस ही होता है जो कॉज करता है HIV को, एंड ये यूज होता है, ये नोन होता है कि जेनेटिक मटेरियल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज करता है। लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें DNA बनाया जाता है अपने ही RNA को यूज करके, अपने ही एंजाइम को यूज करके, जिसमें एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो वो प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो HIV साइज लेस देन होता है, 60 टाइम लेस देन होता है साइज ऑफ RBCs के, और ये स्फेरिकल इन शेप होता है। इसमें सिर्फ RNA होता है, और ये RNA वायरस होता है, इसके पास 2 RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। हम होता है, एक होता है इनवेलप और नॉन इनवेलप। इनवेलप वायरस वो वायरस होते हैं जिन पे एक कवरिंग होती है, इनवेलप होता है लिपोप्रोटीन का, और नॉन इनवेलप वायरस अलग होते हैं। तो कैप्सिड होता है जो कैप्सोमर से बना होता है, इसमें RNA DNA वगैरह प्रेजेंट होता है, जीन्स होती हैं। तो इसमें 9 जीन्स होती हैं एनवेलप एंड प्रोटीन कोड, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। यहाँ तक आप बस लिखिएगा। इसके बाद यहाँ से आप लिखिएगा कि दिस वायरस हैज़ अ यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विच मीन्स मेकिंग DNA फ्रॉम इट्स ओन RNA बाय यूजिंग ओन एंजाइम, नेमली द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वही है जो यूज करता है मेक DNA फ्रॉम RNA, अपने ही RNA को यूज करता है। इंटीग्रेस, इंटीग्रेस का आपको पता होगा ये इंटीग्रेट से आया है। इसका ये मतलब है कि वायरल जीनोम इनसाइड द सेल रहेगा, इंटीग्रेट उसको कराया जाएगा, ये उससे आया, इंटीग्रेट से इंटीग्रेस आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया। लाइफ साइकिल ऑफ HIV, सो लाइफ साइकिल ऑफ HIV कंसिस्ट करते हैं 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट का। एट फर्स्ट वायरस अटैच करता है विद अ लिम्फोसाइट, जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, या जिनको हम कहते हैं टी हेल्पर लिम्फोसाइट। सो ये सेल सर्फेस जिसको ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर, वो अलाउ करता है HIV को कि वो अटैच हो सके और फिर एंटर हो सके। उसी के जरिए अटैचमेंट होगी, उसी के जरिए HIV एंटर हो सकेगा, लाइक उसका जो RNA है वो एंटर हो सकेगा। स्टेप है फ्यूजन। इसमें ये होता है कि वायरस इंजेक्ट करता है RNA को इनटू द DNA। अगर हम देखें तो रेट्रोवायरस में RNA होता है, तो ये RNA अपने जीनोम को, जीनोम होता है सेट्स ऑफ जीन, तो अपने RNA को, अपने जीनोम को इंजेक्ट कर देता है DNA में। नेक्स्ट प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में वायरल जीनोम, वायरल RNA मेक करता है एक न्यू DNA। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वायरल DNA को कहते हैं। अब क्योंकि क्या हुआ कि RNA से DNA बना है, और अब जो DNA है उसको हम कहते हैं कि ये प्रो वायरल DNA है, ये प्रो वायरस है, इसको हम ये कहते हैं। आपकी बुक में प्रो वायरस भी कहा गया, तो हम प्रो वायरस कह सकते हैं या प्रो वायरल DNA कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ये होता है कि प्रो वायरस DNA या प्रो वायरस या प्रो वायरल DNA एंटर हो जाता है होस्ट सेल्स के न्यूक्लियस में, और देन ये इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट विद होस्ट DNA बाय एंजाइम इंटीग्रेस, और प्रो वायरस बाकी इनएक्टिव हो जाता है सेवरल ईयर्स के लिए, प्रोड्यूस करता है या तो न्यू कॉपीज ऑफ HIV या फिर नहीं करता है, और फिर इनएक्टिव हो जाता है बहुत सालों के लिए। ये आपकी बुक में अगर सिम्टम्स आप देखें तो उसमें बताया हुआ भी है कि 10 साल भी इनएक्टिव रह सकता है। नेक्स्ट स्टेप है रेप्लिकेशन। इसमें रेप्लिकेशन में आपको नेम से ही पता चल रहा है कि DNA रेप्लिकेट होगा। इसमें इंटीग्रेटेड होस्ट DNA डेवलप होता है mRNA से, जिसको हम कहते हैं, अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ा हो तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है मैसेंजर RNA। तो ये होता है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, ये एक प्रोसेस होता है बाय यूजिंग होस्ट सेल्स एंजाइम, जिसको हम कहते हैं रिवर्स पॉलीमरेज। ये क्रिएट करता है कॉपीज ऑफ HIV जीनोमिक मटेरियल एस mRNA, विच इज़ यूज टू डायरेक्ट द मेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ HIV प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होगा, रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेट होता जाएगा। स्टेप है असेंबली। इस स्टेप में क्या होता है कि जब प्रोटीन्स फॉर्म हो जाती हैं HIV की, तो वो फिर यूज करती हैं एक अनदर एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रोटीज। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन चेन बनी है, उस चेन को ब्रेक करना है, कट डाउन करना है प्रोटीन को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, जो आगे ज्वाइन हो सके और फिर HIV जीनोम के साथ ज्वाइन हो सके और फिर एक न्यू प्रोग्रेनी बना सके। न्यू प्रोग्रेनी कहते हैं, जैसे कि पेरेंट्स से डॉटर सेल बोलते हैं हम, वैसे ही हम कहते हैं वायरस में प्रोग्रेनी, कि ये डॉटर नहीं बोलते हम, प्रोग्रेनी बोलते हैं, कि ये एक न्यू प्रोग्रेनी बन चुका है, एक न्यू ऑर्गेनाइजिंग बन चुका है। स्टेप है बडिंग। इसमें क्या होगा कि जब भी न्यू प्रोग्रेनी और वायरस मेच्योर हो गए, तो ये कनेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन से। अगर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हो तो इसमें कर लेता है सेल मेम्ब्रेन का कुछ ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट, और फिर ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट को अपनी कवरिंग के लिए यूज करता है। उसमें फिर कुछ टाइम बाद ये रिलीज हो जाता है और मूव करता है अदर जगहों पर, कि वो इन्फेक्ट कर सके अदर सेल्स को।
थी लाइफ साइकिल HIV की। इसके बाद हम सिम्टम साइन भी करेंगे, ट्रांसमिशन भी करेंगे। इसमें बहुत इजी है ये, आप अपने मीनिंग में, अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। अटैचमेंट है, फिर फ्यूजन होती है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबली और फिर वर्डिंग। तो ये पूरी उसकी लाइफ साइकिल होती है कि किस वजह से वो आगे जाके इन्फेक्ट करते जाते हैं, रेप्लिकेशन होती जाती है, रेप्लिकेट करते जाते हैं और इन्फेक्ट करते जाते हैं पूरी बॉडी के सेल्स को। सिम्टम्स ऑफ एड्स ये होते हैं कि बिगनिंग में कोई भी प्रोमिनेंट सिम्टम्स अपेयर नहीं होते, सिवरल फ्लू अपेयर होता है सिवरल मंथ्स और ईयर्स में ही। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जो अकर होता है अटैक इन द अर्ली स्टेज, लाइक इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका होता है, एक्यूट वीकनेस हो जाती है, इसके मेन सिम्टम्स होते हैं नमूनिया, फीवर, डायरिया, नाइट स्वीट, ये डेवलप होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम। या के स्किन कैंसर भी कॉज हो सकता है, कॉज करता है डेथ, ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, अदर फॉर्म्स ऑफ, इसमें लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होते हैं जो ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करते हैं आगे। तो ये होता है कि मेमोरी लॉस भी हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, बिहेवियर ऑफ पेशेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ HIV में ये है कि ये स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टिमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसमिशन इसमें ये भी होती है कि एक्सपोज बाउंड के जरिए तो हो रहा है, फ्रॉम द प्लेसेंटा भी हो सकता है मदर टू चाइल्ड। ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ऑल्सो कॉज होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए, जो वो लोग जो शेयर करते हैं अनस्टरलाइज सिरिंजेस या वैक्सीन, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है जल्दी, बिकम द कॉज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन, इसके ये ट्रांसमिशन होती हैं। कंट्रोल HIV का है, सो कंट्रोल इसमें कोई भी नहीं है, कंट्रोल ऑफ HIV कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट और ट्रीट HIV। ये हो सकता है कि लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट HIV, शेयरिंग निडल शुड बी अवॉइडेड, देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस डिजीज। सो ये होता है कि कंट्रोल कोई इसमें सिवा सिर्फ यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। इसकी लाइफ साइकिल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वायरस चैप्टर में शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग नहीं है, कोई लॉन्ग नहीं आता था कोई भी, लेकिन अब लेटेस्ट बुक में HIV की लाइफ साइकिल दी हुई, और HIV की लाइफ साइकिल आ सकती है लॉन्ग में। सो ये ज़रूर आपको आनी चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।